भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज 95वां जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सुशासन के रूप में इसे मनाती आ रही है, जो लगातार 6 वर्षों से चला आ रहा है। इसी कड़ी में पूरे भारत वर्ष में इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। आज झज्जर में भी इसे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने ऑफिस को सजा कर इसे मनाया। सभी हेडक्वार्टरों पर मुख्यमंत्री का भाषण भी हुआ। मुख्यमंत्री गुड़गांव पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी 22 जिलों के अधिकारियों के साथ अपनी बातें साझा की। मुख्यमंत्री ने अपने सभी वक्तव्य साझा किए जो वो कहना चाहते थे। साथ ही कई स्कीम भी उन्होंने लॉन्च की, उसका उद्घाटन भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी किया। आज इसी मौके पर रोहतक के कमिश्नर डी सुरेश भी उपस्थित रहे। डी सुरेश के साथ में उपायुक्त महोदय संजय जून, ADC, SP झज्जर, SDM व झज्जर के सभी आला अधिकारी इस मौके पर उपस्थित थे। साथ ही झज्जर भाजपा से प्रत्याशी डॉक्टर राकेश, साथ ही राज पारिक भी इस मौके पर उपस्थित रहे। हर न्यूज ने कमिश्नर डी सुरेश से जब इस बारे में जाना तो उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार सभी प्रशासनिक अधिकारी लामबंद है और जो भी उसमें फेरबदल होंगे उसे सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को पोलाइट होना चाहिए ताकि लोगों को वो अपनी बातें आसानी से समझा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की है, उसे भी तुरंत से अमली जामा पहनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज बहुत ही सकारात्मक संदेश सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को, सभी जन प्रतिनिधियों को दिया गया है, जिससे मैं अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सुशासन और भी पॉजिटिव तरीके से विकसित होगा झज्जर ज़िले में। आशा करता हूं कि यहां के अधिकारी, यहां के कर्मचारी बढ़ चढ़ कर प्रतिबद्धता से, निष्ठा से, लगनशीलता से लोगों की सेवाएं बेहतर तरीके से दें। राज पारिक ने भी कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसे सुचारू रूप से करना चाहिए। डिजिटल को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़नी है, लेकिन आगे वाला जो जमाना है डिजिटल का है, मैं उसे बार बार कहना चाहता हूँ। और भी उन्होंने अपने वक्तव्य साझा किए। सुशासन दिवस को आज 6 साल हो गए हैं इस पर, और हर वर्ष की तरह इस साल भी जो दिशा निर्देश दिए गए और जो गवर्नेंस की बात कही गई, तो उसको मैं उम्मीद है कि कर्मचारी वर्ग और अधिकारी वर्ग उसको फॉलो करेंगे, और जो उन्होंने ई गवर्नेंस के ऊपर जो विशेष टिप्पणी करी उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और लेकिन मेरा एक खुद का मानना भी है कि ई गवर्नेंस से आगे भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का दौर शुरू हो रहा है, हमें अभी से उसके बारे में भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि आने वाला दौर अगले 20-30 साल उसी के ही, तो बेहतर ये रहेगा कि जो चल रहा है वो तो चल रहा है, इसके साथ हम उस टेक्नोलॉजी को भी अभी अडाप्ट कर लें तो उससे बेहतर होगा पूरे प्रदेश के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए भी बेहतर। झज्जर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राकेश ने भी कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 95वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसे प्रशासनिक अधिकारियों को लामबंद होना पड़ेगा। जब हमने पूछा कि आप राजनेता भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और नेता के बीच में तालमेल क्यों नहीं होता, तो उन्होंने अपने वक्तव्य कुछ इस तरह साझा किए। देखिए माननीय श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर दिशा निर्देश किया और ये बताया है कि किस प्रकार से प्रशासन जो है लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतों को उनके नज़दीक पहुंच करके, उनके पास पहुंच करके उनको पूरा कर सकता है, और बहुत ही विस्तार से उन्होंने इस बात को हर एक तरह के उदाहरण दे करके कि इस प्रकार से कभी किस प्रकार से प्रशासन से लोग अपेक्षा रखते हैं, किस प्रकार से सरकार से अपेक्षा रखते हैं, वो सब बातों की चर्चा करते हुए उन्होंने ये सब दिशा निर्देश दिए और सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठीक तरीके से निभाने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। के साथ दो चीज़ें हैं, आप राजनेता के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, तो क्या क्या कमी ऐसी आती है जो राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी तालमेल नहीं करते? देखिए ये रहता है कि अभी इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में आपको ज़रूर मैं चर्चा करना चाहूँगा।
जो हमारे सरल केंद्र हैं, अटल सेवा केंद्र हैं, जो इसी योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके कारण जो सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम हमारा अभी चल रहा है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुँच गया है। तो सरकार की ये उम्मीद है कि उसके अंदर आने वाली दिक्कतों को हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, जो गांव में बैठे हैं और जो जिला स्तर पर भी अपने काम को कर रहे हैं, वो इसको पूर्ण रूप से लोगों को समझा करके, उसको बता करके, थोड़ा इसमें समय लगने वाला है। मेरा अपना ये मानना है कि क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन है, जो ऑनलाइन या इंटरनेट जो सेवाएं जो हम दे रहे हैं सारे के सारे, वो ग्रामीण क्षेत्र में इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लोगों को ऐसा रहता है कि आप जाइए सीधा जिला मुख्यालय पर जाइए, आपको अटल सेवा केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वहाँ से भागते हैं। तो उसको रोकने के लिए ही सरकार ने ये सब जो हर जगह पे हर एक गांव में लोगों के दरवाजे के ऊपर लाकर सारी सुविधाएं आज जैसे 42 सेवाओं का और भी इसमें जोड़ी गई हैं 42 सेवाएं, तो ये 500 से भी ज़्यादा सेवाएं जो हैं हम ग्रामीण क्षेत्र में और हर एक जगह पे हर एक गांव में देने का जो संकल्प सरकार ने लिया है उसके प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, और इसको पूरा करने के लिए प्रशासन की और कर्मचारियों की हमें इसमें ज़रूरत है। वो इसको पॉजिटिवली लेकर के इसमें परेशानी ना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आप ये देखेंगे कि हमारे ग्रामीणों की, हमारे नागरिकों की, जनता की इसमें अपेक्षाएं रहती हैं कि हमारा काम एक मिनट में हो जाए, अगर इंटरनेट पे एक क्लिक से सारी चीज़ें होती तो हमारा भी एक मिनट में हो जाए, लेकिन प्रॉपरली उसको समझने के लिए थोड़ा सा उनको समय लग रहा है। उस समय का जो तालमेल बनाना है वो हमारे कर्मचारियों को, जो वहाँ अटल सेवा केंद्र पर जो लोग बैठे हैं, जो प्रशासन के हमारे अधिकारी बैठे हैं, उन सब लोगों को उसको देख करके, उसको समझा बुझा करके उस बात को रूप से लागू करवाना। कैमरामैन नीरज के साथ रमाकांत की रिपोर्ट, हर न्यूज़ 24।